नमस्कार आप सभी का। मैं बबीता त्यागी, आईसीएस कोचिंग सेंटर सोनीपत से। आज से हम लोगों ने एक नई मुहिम चलाई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हरियाणा पुलिस का नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसके तहत बड़ी संख्या में हरियाणा पुलिस में कॉन्स्टेबल्स, जिसमें मेल फीमेल दोनों रहेंगे, और एसआई की भर्ती के लिए वैकेंसीज आ गई हैं। तो आज से हम क्या करेंगे, क्योंकि क्लासेस में सिलेबस पूरा करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो हम एक छोटी सी मुहिम चला रहे हैं, जिसके तहत हम लोग हरियाणा जीके, मैं और हिंदी, ये दोनों जितने भी हमारे सब्जेक्ट हैं, मेन दोनों सब्जेक्ट, इनको आपको यूट्यूब के थ्रू, यूट्यूब के माध्यम से मैं कोशिश करूंगी जितना हो सके सिलेबस पूरा करा दूं। ठीक है, जितने भी व्यूवर्स जुड़ते जाएं, कोशिश करें कि एक रफ कॉपी अपने साथ रखें, सारी चीजों को लिखते जाएं, ताकि बाद में सारा डाटा आपको इकट्ठे मिल जाए। वैसे मार्केट में बहुत सारी बुक्स भी अवेलेबल हैं, कई अच्छे पब्लिशर्स हैं। मैं बता दूंगी 5-7 दिन में कौन सी किताबें अच्छी रहेंगी, यूजफुल रहेंगी। कोशिश कीजिएगा कि साथ साथ मेरे साथ साथ टॉपिक्स आप लोग कवर करते जाएं। चलिए शुरू करते हैं हरियाणा जीके। हरियाणा जीके में सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस बनेंगे, ये कह नहीं सकते इसकी हिस्ट्री आएगी, इसका पॉलिटिकल इश्यूज उठेंगे, या इसका कोई भी डाटा पूछेंगे, कुछ भी पूछ सकते हैं। हमारा मेन टारगेट है कि जहां से भी क्वेश्चन उठे, हमारा मार्क्स ना कटे, बस ये मेन चीज है हमारे लिए। आज हम लोग, मैं आपको कैसे कवर कराऊंगी इसको, हम टॉपिक्स उठाएंगे। जैसे आज मैं एक इंट्रोडक्शन देती हूँ कि कैसे हम लोग हरियाणा जीके को थोड़ा थोड़ा करके जानेंगे। रेगुलर क्लासेस चलेंगी, आप डेली हमसे जुड़े रहिएगा, ताकि आपकी प्रैक्टिस, आपका सिलेबस जल्दी ही कवर हो अच्छी प्रैक्टिस के साथ। आज हम लोग बात करते हैं, थोड़ी सी हिस्ट्री को जानते हैं, हरियाणा कैसे बना, क्या जरूरत पड़ी कि हरियाणा एक नए राज्य के रूप में उभारा जाए। इसके बैकग्राउंड को अगर देखें हम लोग, तो हरियाणा कोई नई बात नहीं है। हरियाणा आज का, अगर कहें 1966, तो कहना गलत है, क्योंकि डेट के हिसाब से 1966 ठीक है, लेकिन हरियाणा का जिक्र हमारे वेदों में है। हमारे वेदों में, जो आज से कितने हजारों साल पहले लिखे गए, उन वेदों में भी हरियाणा का नाम रज हरियाणे करके लिखा गया है। तो हरियाणा कोई नई बात नहीं थी, लेकिन क्योंकि यहाँ पॉलिटिक्स का इशू उठाएंगे वो, तो आपका क्वेश्चन जो बनेगा कि हिस्ट्री को थोड़ा जानते हुए हम बात करें, इसकी जरूरत क्या पड़ी। जब हम लोग आजाद हुए, तो हरियाणा पंजाब स्टेट का, पंजाब राज्य का हिस्सा था। पंजाब से हमें अलग करने की जरूरत इसीलिए आन पड़ी, क्योंकि देश की आजादी के बाद 1947 में पंजाब के सीएम बने थे गोपीनाथ भार्गव। ये पंजाब के आजादी के बाद बनने वाले पहले सीएम थे, और ये हमारे हरियाणा के सिरसा जिले से बिलोंग करते थे, लेकिन तब हरियाणा नहीं था, ये पंजाब के पहले सीएम थे। इनके बाद गोपीनाथ भार्गव, इनके बाद सेकंड सीएम बनते हैं, जिनका नाम है भीमसेन सच्चर। भीमसेन सच्चर जी जब ये देश अपने हरियाणा के सीएम बने, तो एक इशू, इन्होंने एक बात उठाई थी। उस टाइम ये जिक्र था कि हरियाणा अलग होगा नहीं होगा, तो इन्होंने कहा हरियाणा को अलग करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, पंजाब के दो क्षेत्र बना दिए जाएं, एक वो जहां पंजाबी भाषा बोलने वाले बहुतायत में हो, और एक वो जहां पर हिंदी बोलने वाले, हिंदी यानी हमारी, अगर हम लोग कहें हरियाणा के लोग, तो हरियाणवी हमारी बोली है, और हमारी इस बोली को हिंदी का ही एक पार्ट मानते हैं, ये पश्चिमी हिंदी का हिस्सा कहलाती है हरियाणवी। तो हरियाणवी जो बोलते थे लोग, इन लोगों को कहा जो ये आज का जो हरियाणा है, ये हिंदी क्षेत्र बन जाएगा, और जो पंजाबी बोलते हैं वो पंजाबी क्षेत्र में। यानी एक ही हिस्से के दो अलग अलग नाम रख दिए, पंजाब के दो नाम कर दिए, एक पंजाबी क्षेत्र, एक हिंदी क्षेत्र। इस हिंदी क्षेत्र से हमारी जनता, यहाँ की जनता, हरियाणा की जनता खुश नहीं थी, इसीलिए सच्चर फॉर्मूला, ये मान लो फ्लॉप माना गया, सच्चर फॉर्मूला कामयाब नहीं हुआ। जब ये इशू धीरे धीरे बढ़ने लगा, 1953 में हमारे देश में एक बहुत बड़ा आयोग गठित किया गया, जिसका काम था ये देखना कि भारत में राज्य बनेंगे तो कैसे बनेंगे, कौन से राज्य बनाने जरूरी हैं, किन को बनाए बिना भी काम चल जाएगा। ये फजल अली आयोग था, फजल अली आयोग। फजल अली बहुत बड़ा चेहरा, बहुत बड़ा नाम था, ये हमारे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में जज रहे थे। फजल अली अपने यहाँ हरियाणा में भी आए, रोहतक में इनका आगमन हुआ, और इन्होंने आने के बाद हमारे कुछ लीडर्स इनसे मिले, और उन्होंने कहा कि भाई हम लोगों को, आप लोग जो अपना एक लिस्ट बना रहे हैं स्टेट्स की, आप हमें अलग से एक राज्य का दर्जा दे दीजिए। लेकिन फजल अली आयोग ने हमारी बात नहीं मानी, और हरियाणा 1956 में जब स्टेट्स बने भाषाई आधार पर,
14 राज्य और 6 यूटीज बने, केंद्र शासित प्रदेश, उसमें हरियाणा का नाम नहीं था, हरियाणा का जिक्र नहीं था। यानी 1956 में जब लिस्ट आई राज्यों की तो हरियाणा का जिक्र नहीं था। इस बात से हमें थोड़ा खेद हुआ, दुख हुआ, एक धक्का लगा। हम लोगों ने कोशिश की कि कैसे ना कैसे करके अपनी चीजों को और थोड़ा सा बढ़ाएं, इस चीज को बढ़ावा दें, कैसे हरियाणा एक राज्य के रूप में उभरे। 1956 में प्रताप सिंह कैरो, इनकी सरकार बनी पंजाब में। प्रताप सिंह कैरो की सरकार के टाइम में एक बड़ा मुद्दा बना। ये मुद्दा क्या था? ये कहा गया कि जितने भी पंजाब के, पंजाब इन द सेंस हम लोग भी तब पंजाब का हिस्सा थे, इस पूरे इलाके में जितने भी ये हैं अपने स्कूल्स हैं, इनमें पंजाबी पढ़ाई जाए, पंजाबी कंपलसरी कर दो। जैसे आज अंग्रेजी पढ़ाते हैं, हिंदी पढ़ाते हैं, ऐसे पंजाबी को कंपलसरी कर दो। ये बात हमारे हिंदी क्षेत्र के लोगों को, जिसको हम आज हरियाणा कहते हैं, यहाँ के लोगों को रास नहीं आई। इन्होंने कहा क्यों पढ़े हम, हमारे बच्चे पंजाबी? पंजाबी से क्या कोई प्रोफेशनल आगे डिग्री मिल जाएगी? क्या पंजाबी हमारे बच्चों का भविष्य सफल बना पाएगी? नहीं ना। जितना टाइम पंजाबी में लगाएंगे, इतने में कोई और लैंग्वेज सीखेंगे, बच्चे कामयाब बनेंगे? इस पंजाबी भाषा का विरोध बढ़ने लगा और ये विरोध बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि इसकी आवाज, इसकी गूंज संसद भवन तक पहुंची। और संसद भवन में 1965 में बहुत बड़ा एक नाम है, सरदार हुकुम सिंह। हुकुम सिंह की अध्यक्षता में संसद में एक कमेटी बना दी गई और उस कमेटी को काम दिया कि आप देखिए कि क्या करना चाहिए जिससे कि दिक्कतें ना बढ़ें। सरदार हुकुम सिंह ने 5-6 महीने कमेटी ने काम किया और इन लोगों ने अप्रैल में कहा कि हम लोग जो डिसीजन पर पहुंचे हैं वो ये है। 1966 आ गया, कमेटी बनी है 1965 में। इन्होंने कहा हमें लगता है कि एक आयोग बना देना चाहिए जिसमें जजेस वगैरह हों, जो जाके पूरा एरिया देखें और समझें और बताएं, अपनी रिपोर्ट दें हमें कि क्या पंजाब से अलग करने की जरूरत है हरियाणा को या नहीं। इनकी कमेटी की सिफारिश के आधार पर हरियाणा और पंजाब को अलग करना है नहीं करना, इसके लिए एक आयोग गठित किया गया, जिस आयोग को नाम दिया गया शाह कमीशन। शाह आयोग आप लोगों ने सुना होगा, जो लोग हरियाणा जी के पढ़ते हैं थोड़ा बहुत जानते हैं, नहीं सुना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ बातचीत करेंगे शाह आयोग ने कैसे काम किया। अब देखिए, जेसी शाह नाम का एक आदमी है जिसके नाम पर इस आयोग का नाम रखा गया, शाह आयोग या शाह कमीशन। शाह कमीशन में 3 बड़े चेहरे हैं, जेसी शाह इनके हेड हैं, इनके बाद दूसरा नाम है एम फिलिप का और तीसरा नाम है एस दत्त का। इन 3 बड़े चेहरों ने पंजाब के यहाँ आकर इस इलाके में पूरा सर्वे किया और इन्होंने अपनी रिपोर्ट विद इन 1.5 मंथ, इनका जो गठन हुआ था अभी मैंने डिस्कस किया था, अप्रैल 1966 में, और मई 1966 को इन्होंने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली और ये रिपोर्ट सौंप दी गई। क्योंकि कमेटी ने बनवाया था इस आयोग को, इसलिए रिपोर्ट जो है संसद भवन पहुंच गई, वहां इसके ऊपर डिस्कशन हुआ और सितंबर 1966 में पंजाब पुनर्गठन एक्ट पारित किया संसद भवन में, जिसके तहत विद इन 2 मंथ्स, सितंबर में तो एक्ट पारित हुआ था और 1 नवंबर 1966 को हरियाणा भारत का एक बेहतरीन, समृद्ध, बहुत ही अच्छा, ये कह सकते हैं कि जिसके कारण देश आज कमा के खा रहा है या पेट भर रहा है, उसमें योगदान देने वाला हमारा राज्य 1 नवंबर 1966 को अस्तित्व में आया। ये 1 नवंबर 1966 को जब हमें मिला हरियाणा, ऐसा नहीं है कि अस्तित्व में नहीं था, ये स्टार्टिंग से अस्तित्व में था, पंजाब का बस हिस्सा काट के हमें दे दिया और ये हिस्सा जो हमें मिला ये टोटल पंजाब का 35% हिस्सा था। यानी आज जिस हरियाणा में मैं और तुम बैठे हैं, ये पंजाब का 35% हिस्सा था जो 1 नवंबर 1966 को अस्तित्व में आ गया। टोटल एरिया अगर पूछा जाए एग्जाम में कि कितना था, तो आज हमारे पास जो एरिया है 44212 वर्ग किलोमीटर, ये एरिया है जो 35% है पंजाब का। तो पंजाब काफी बड़ा इलाका रहा होगा, तभी तो 35% मिलने के बाद 44212 वर्ग किलोमीटर एरिया हमें मिला। इस एरिया में हमने आज तक कोई बढ़ोतरी नहीं की, ना ये घटा ना ये बढ़ा। 1966 से 2018 में आज हम हैं, ये एरिया एज इट इज है। सिर्फ अंतर क्या आया, जिस दिन ये बना था उस दिन इस एरिया में 7 जिले थे, 7 बड़े बड़े जिले थे।
आज वही बढ़कर 7 जिले 22 जिलों में कन्वर्ट हो गए। आज की अगर डेट में पूछें कुल कितने जिले हैं तो 22 जिलों में कन्वर्ट हो गए हैं। ये जब स्टार्टिंग हुई 35% एज इट इज 35% 44212 एज इट इज 44212, बस उनकी संख्या 7 से बढ़ाकर 22 कर दी गई। और सभी लोग जानते हैं कि धीरे धीरे करके ये जिले बढ़ते गए। स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि स्टार्टिंग जब हुई तो कौन से 7 जिले थे, सबसे पुराने 7 जिले। बहुत आसान है, डिफिकल्ट नहीं है। देखो एक फॉर्मूला याद रखना है आपको, घर जेके में। सभी लोग जानते होंगे शायद जम्मू कश्मीर में घर नहीं बन सकता। जम्मू कश्मीर हमारा एक स्पेशल स्टेट है। आर्टिकल 370 के अकॉर्डिंग जम्मू कश्मीर में घर नहीं बन सकता किसी भी ऐसे आदमी का जो कि वहां का नेटिव नहीं है। हमने अपने फॉर्मूले में घर बना लिया जम्मू कश्मीर में। फॉर्मूला है घर जेके में, जम्मू कश्मीर में। ये 7 जिले हैं, बहुत आसान है याद रखना, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान से सुनते चलना। ये 7 जिले क्या क्या है जानो। जी का मतलब है गुरुग्राम, एच का मतलब है हिसार, ए मतलब अंबाला, आर मतलब रोहतक, जे का मतलब यहां है जींद, के का मतलब करनाल, एम मतलब है महेंद्रगढ़। ये हैं हरियाणा के शुरुआती 7 जिले। इन्हीं को काट पीट कर आज आप पढ़ते हैं 22 जिलों के रूप में। तो स्टार्टिंग में अगर क्वेश्चन आए वो 4 जिलों के नाम बता दे या 7-7 के ग्रुप बना देगा ऑप्शन में आपको और कहेगा कौन से सबसे पुराने हैं, तो वहां जाके बच्चा चकरा जाएगा, नहीं ध्यान में आएगा। ये फॉर्मूला काम आएगा, घर जम्मू कश्मीर में, घर जेके में। ये हैं हमारे शुरुआती 7 जिले और जिनकी संख्या आज बढ़ के हो गई है 22। अब देखते हैं ये कैसे बढ़े हैं, ये 22 तक कैसे पहुंचे हैं। तो कुछ पॉइंट खास, ये स्टोरी सुनते चलनी है, याद इनमें से मेन मेन बातें रखनी होती हैं। जैसे हरियाणा कब बना अस्तित्व में आया, 1 नवंबर 1966। कौन से कमीशन का गठन किया गया, जेसी शाह, उसके अध्यक्ष थे शाह कमीशन, एमएम फिलिप, एस दत्त। ऐसे फजल अली पूरे देश में घूमे थे, उनके कहने के बाद इंडिया में 14 स्टेट्स बने थे और 7 यूटीज बने थे, 6 आज की बात करें 29 राज्य और 7 यूटी हैं। अब देखते हैं हरियाणा में जिले कैसे कैसे बढ़ते गए। अब ध्यान से बोर्ड पर देखते रहना, 1 नवंबर 1966 को हमारे पास 7 जिले थे जिनका फॉर्मूला आपको याद रखना है, घर जम्मू कश्मीर में, जेके में। अब देखो कैसे बढ़े हैं ये, 1966 के बाद 1972, 73, 75, 79, फिर 10 साल का गैप आया, 89, 95, 97, इसके बाद ये 1900 की लाइन जो है ये पूरी हो गई है। इसके बाद 2004-05, 2008 और सबसे लास्ट बनने वाला 2016। ऐसे करके 66 से और 2016 तक हमारे राज्य में, हरियाणा में 22 जिले बन गए। ये कौन कौन से हैं जानते चलते हैं। 1972 में 2 जिले बने हैं, भिवानी और सोनीपत, यानी अब संख्या 9 हो गई। कुछ सालों के अंदर अंदर हरियाणा में जिलों की संख्या 9 हो गई। ये बना था 22 दिसंबर 1972, एक महीना, सिर्फ एक महीना बीता था। 23 जनवरी 1973 को नया अपना जिला बना कुरुक्षेत्र। 75 में बना है अपना सिरसा, जो एरिया में नंबर 1 है पूरे हरियाणा में। आज की डेट में सबसे बड़ा क्षेत्रफल सिरसा का है। 1979 में बना हमारा फरीदाबाद, जो सबसे छोटा जिला है लेकिन फरीदाबाद सबसे बड़ा शहर है, डिस्कस करेंगे आगे सारी बातें। 89 को देखो 4 जिले बने हैं इकट्ठे, इनका फॉर्मूला याद रखना, इसका फॉर्मूला है KRPY, इसको हम कहते हैं कृपा। कैसे याद करोगे सुन लो, इसका तरीका क्या है। 1989 का साल हमारे देश में बहुत बड़ा चेंज था। कैसे चेंज था, 1989 से पहले इंडिया में सिर्फ वो लोग वोट डाल सकते थे जिनकी उम्र थी 21 साल, लेकिन 1989 में 21 साल को घटा के 18 साल पर ले आए। 1989 में संविधान में 61वां, ये सारे क्वेश्चंस काम के हैं जो मैं बता रही हूं। 1989 में 61वां संविधान संशोधन हुआ, जिसके तहत मताधिकार की आयु एज 21 से घटा के 18 कर दी गई। अब इसी साल 1989 में ही हमारे यहाँ 4 जिले बनते हैं, KRPY, कृपा याद कर लो कि कृपा हुई और मताधिकार की एज 18 कर दी गई। ये 4 जिले क्या क्या हैं ध्यान देना, के, अब देखो के में एक के यहाँ आया था, ये था करनाल,
एक के यहाँ आ चुका है कुरुक्षेत्र, सिर्फ एक के बच गया, ये के है कैथल। यानी अब कृपा का मतलब है कैथल। आर मतलब है, यहां पर ध्यान देंगे तो ऊपर आर आ चुका है, ये आर था रोहतक, यहां आर जो आया ये है रेवाड़ी। पी पलवल है लेकिन बाद में बना, स्टार्टिंग में नहीं था। यहां पी का मतलब है पानीपत। और एक बच गया हमारा वाय, ये सब लोग जानते हैं वाय मतलब होगा यमुना नगर। तो ये 1989 में चार जिले बने हैं, के आर पी वाई, कृपा हुई और चार जिले बन गए। 1995 में बना है पंचकुला। देखो याद रखना कितना आसान, पांच आया है ना इसके पीछे, तो इसको पंचकुला, 1995 पंचकुला, 1989 कृपा हुई, चार जिले बने, के आर पी वाई। स्टार्टिंग के सात जिले हैं घर जे के एम। इसके बाद 1997 में यहां देखो फरीदाबाद था ना, 79 उल्टा कर दो डिजिट को, पीछे वाले को 97 कर दो, यहां फरीदाबाद है, यहां फतेहाबाद है। एफ और जे बने हैं, जे मतलब है झज्जर, एफ और जे दो बने हैं। फरीदाबाद बना है पहले 1979 में और ये बने हैं 1997 में। 2004-5 में आप जिसको आज नूह के नाम से जानते हैं, 2004 में इसकी घोषणा हुई थी और 5 में ये अस्तित्व में आ गया। ये पहले सत्यमेवपुरम था, मेवात बना था बाद में, मेव जाति ज्यादा थी मॉमडन्स की, और आज भी हरियाणा में सबसे ज्यादा मुसलमान जो हैं वो मेवात में पाए जाते हैं। 2008 में हमारा बना पलवल, और सबसे लास्ट अब जो बना है हमारे पास वो है चरखी दादरी। ये है हमारी पूरी लिस्ट, कैसे 7 से 22 तक की कहानी है। 1966 में 7 फॉर्मूला घर जेकेएम, घर जम्मू कश्मीर में, फिर आया इसके बाद 72 में अपना सोनीपत और भिवानी, 73 में आया कुरुक्षेत्र, 75 में आया सिरसा, 79 में फरीदाबाद, 10 साल बाद 89 में कृपा हुई, वहां हमें वोटिंग अधिकार मिला 18 साल के बाद, 61वां संविधान संशोधन, और यहाँ के आर पी वाई हमारे चार जिले अस्तित्व में आए। इसके बाद 95 में 5 है पीछे 95 से पंचकुला प, 97 में जो 79 का एफ था उसी में एफ जे जोड़ दिया, फतेहाबाद और झज्जर। इसके बाद 2004-5 में अस्तित्व में आ गया नूह, मेवात इसका पुराना नाम, पहले नाम रखा गया था सत्यमेवपुरम। गांधी जी ने मेवात के लोगों को रोका था, मेवों को, पाकिस्तान जा रहे थे, गांधी जी ने कहा मैं गारंटी देता हूं कि तुम यहां सेफ हो, इसलिए रुक गए थे वो लोग यहाँ। तब ये नया जिला बनाया 4-5 में, 4 में घोषणा 5 में गठित, 8 में बना पलवल और लास्ट बना 2016 में चरखी दादरी। ये एक दिन में याद नहीं होते किसी को भी, ये आप बार बार सुनेंगे, बार बार आंखों में से गुजरेंगे तब ये याद होंगे। तो हरियाणा में आज की डेट में 22 जिले हैं, एरिया हमारा सेम है, कितना एरिया 44212 स्क्वायर किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर, 7 से संख्या बढ़ा के हमने 22 कर दी। अब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रही हूं, सभी लोग ध्यान से उसको समझ लेना, सुन लेना। हरियाणा बहुत बहुत ग्रोथ कर रहा है और हरियाणा को कहते हैं करोड़पतियों का राज्य है ये, यहाँ गांव में भी करोड़पति बसते हैं, बेहद अमीर लोग रहते हैं यहाँ, जीडीपी में हम काफी बड़ा योगदान देते हैं। अब देखो हरियाणा को हिस्ट्री अब लगभग हमने पढ़ लिया, बाद में करते रहेंगे हिस्ट्री का टॉपिक, आज एक इंट्रोडक्शन टाइप है। तो आज जो आगे एक लास्ट मेन सी बातें मैं बता दूं, इसमें हम लोग बात करेंगे जनसंख्या और क्षेत्रफल की, दोनों के आंकड़े बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएंगे, बहुत आसान है, सिर्फ सुन के थोड़ा सा समझना, ध्यान से सुनना, याद हो जाएंगे। हरियाणा की जनसंख्या टोटल जो लास्ट जनगणना में हमारे सामने आई 2,53,51,462, 2,53,51,462 ये हरियाणा की जनसंख्या थी 2011 में। सब लोगों को पता होना चाहिए इंडिया में हर 10 साल में जनगणना कराती है भारत सरकार, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काम है, उनकी जिम्मेदारी है। हमारी जनसंख्या की गणना पूरे देश की 10 साल में ही एक बार होती है, 2011 के आंकड़े भी अभी भी चलेंगे। जनसंख्या बढ़ गई है नो डाउट, लेकिन कोई गिनने तो नहीं गया ना, हमें नहीं पता कितनी बन गई, लगभग में अगर पूछा जाएगा, और क्वेश्चन आया है बहुत बार एचएसएससी में, 2,53,51,462 ये है हमारी जनसंख्या। अगर जनसंख्या की बात कर रहे हैं तो इंडिया में ये जनसंख्या, पूरे इंडिया की अगर बात करें, जो वर्ल्ड में सेकेंड है हमारा जनसंख्या में नंबर, इसकी अगर बात करें तो ये पूरे इंडिया की जनसंख्या का 2.09% है,
2.09%। बात करें क्षेत्रफल की, मैंने अभी आपके सामने बताया था 44212 स्क्वायर किलोमीटर, इतना है हमारा क्षेत्रफल हरियाणा का। क्षेत्रफल को अगर परसेंटेज में पूछेंगे तो 1.34%, 1.34। कभी कभी वो इससे आगे बढ़ के पूछते हैं इनका रैंक क्या है, तब बच्चे बहुत सारे पढ़ गए याद कर गए, दिक्कत आती है, भूल जाते हैं, मिक्स हो जाती हैं चीजें। ध्यान से सुनना, जनसंख्या में हम हैं 18th रैंक पर हैं हम जनसंख्या में पूरे इंडिया में, और क्षेत्रफल में हमारा नंबर है 21वां। याद कैसे रखोगे सुन लो, जनसंख्या बढ़ाने में, जनसंख्या जो है मेनली तो महिलाएं ही बढ़ाती हैं जनसंख्या, भाई महिलाओं से ही तो जनसंख्या बढ़ सकती है। महिलाओं की जो एज है शादी की वो 18 इयर्स है, ऐसे कोड कर लो दिमाग में, जनसंख्या से महिलाएं, महिलाओं की कानूनी उम्र शादी की 18 साल। क्षेत्रफल को याद कर लो, हमारे इंडिया में आज भी पितृसत्तात्मक समाज है, प्रॉपर्टी पर आज भी लड़के का अधिकार माना जाता है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया लड़का लड़की बराबर, लेकिन आज भी अगर इंडियन सोसाइटी की बात करें तो क्षेत्रफल आते ही दिमाग में प्रॉपर्टी आ जाए, और प्रॉपर्टी लड़के की शादी की उम्र जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने कही है वो है 21 साल, ऐसे ही याद कर लेना। क्षेत्रफल पूछेंगे तो प्रॉपर्टी 21, लड़के को याद कर लेना, जनसंख्या पूछे तो लड़कियों की जो शादी की एज है वो 18, ऐसे याद करोगे तो याद रहेगा, वरना मिक्स होगा। अभी बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, जनसंख्या घनत्व में नंबर क्या है, HDI में क्या है, तो सारा याद करना मुश्किल होगा, इस तरह से कोड कर लेना। जनसंख्या 2,53,51,462, और जनसंख्या का प्रतिशत पूछ ले इंडिया में 2.09, रैंक पूछ ले 18th, जनसंख्या महिलाओं से जोड़ देना, क्षेत्रफल पूछे 44212 वर्ग किलोमीटर, टोटल में पूछे 1.34, और वैसे पूछे रैंकिंग में तो 21वां। ठीक है, ये बार बार रिवाइज करने पड़ेंगे तब याद होंगे, डाटा ऐसे नहीं होता कि आपने आज पढ़ा है और आज ही याद हो जाएगा, टाइम लगेगा लेकिन ये सब चीजें आपको याद हो जाएंगी। अभी अभी हमने बात की कि कैसे हरियाणा बना, हरियाणा की क्या जरूरत पड़ी, कैसे इसके राज्य, ये अपने अलग अलग जिले बने हैं, कैसे कैसे इनका डेवलपमेंट हुआ। तो आज इतना ही पढ़ते हैं, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और आगे के टॉपिक्स कल कवर करेंगे। थैंक यू।